तो आगे वीडियो। वीडियो आज इस में मैं करने वाली हूँ कि हम घर बैठे वैक्स कैसे करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सडन हमें प्लान बन जाता है कहीं जाने के लिए और उस टाइम जो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो चीज आता है वो होता है वैक्स क्योंकि अगर हमें शॉर्ट्स पहनना हो या फिर सिलेब्स पहनना हो तो हमें वैक्स कराना ही है ये तो कंपलसरी है क्योंकि वैक्स अगर हम नहीं कराए तो बहुत ही अजीब लगता है खुद को ही हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता उसके लिए वैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है और हम उस टाइम में जल्दी जल्दी पार्लर भी नहीं जा सकते तो हम घर बैठे अपने स्किन को अपने लेग्स को अपने अंडरऑंड को कैसे क्लीन करें आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ जो खुद से ही हम कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी में कर सकते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को लास्ट तक देखें वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट इसके लिए हम यूज करेंगे वीट रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्स किट ये जो किट है विट का ये बहुत ही अच्छा है बहुत ही इंस्टेंट हम इससे वैक्स कर सकते हैं ये अलग अलग स्किन के लिए भी अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है मेरा ड्राई स्किन है इसलिए मैं ड्राई स्किन मैंने लिया है आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर सकते हैं इसे ये गर्म करने या फिर किसी और चीज़ का इसमें कोई भी झंझट नहीं है इसको डायरेक्ट अपने उस एरिया पर लगाना है जहाँ के आप हेयर्स रिमूव करना चाहते हैं और उससे हमें पुल कर देना है तो इसको हल्का सा हम रब कर देंगे रब करके इससे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जो कि पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है उसे हम अपने हाथों से इसे पुल करके निकाल देंगे इसके बाद इसे हम अपने उस एरिया में अप्लाई करेंगे जहाँ हमें इसे वैक्स करना है और उससे हल्का सा रब कर देंगे ताकि जो हेयर्स है वो इसमें चपक जाए अंड्राम्स में मेरे हल्के हल्के बाल हैं जो आपको मे तो बी दिख ना रहे हों बट हैं वैक्स करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ आपको बाल हेयर्स जो है वो दिखाई देंगे आप देख सकते हैं ये जो विथ स्ट्रिप है स्ट्रिप पे हल्के हल्के आपको हेयर्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे आई होप कि ये कैमरा में कैप्चर हो पाए इसके बाद हम इससे फिर से एक बार और यूज करेंगे उसी स्ट्रिप को और जो इसका डायरेक्शन है उसे चेंज कर देंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो हेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में ग्रोथ किए हुए हैं तो उस डायरेक्शन में आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं अंडराम्स में, में मेरे बहुत ही कम हेयर्स हैं इसलिए मैं इससे दो से तीन बार यूज कर सकती हूँ आप अपने हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही इसे यूज करें एक स्ट्रिप को आप दो से ज़्यादा टाइम के बाद यूज़ ना करें बट अभी मैं आपको सिर्फ वीडियो में दिखा रही हूँ और मेरे अंडर आर्म्स में हेयर्स भी कम है इसलिए मैं इसे तीन बार यूज कर रही हूँ वैसे ही आप सेकेंड साइड भी अपने अंडराम्स को ऐसे ही क्लीन कर लीजिए मे बी आपको हेयर्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे बट वैक्स करने के बाद आपको अच्छे से स्ट्रिप पे जो है वो हेयर्स जो है वो दिख ही रहा होगा वैक्स करने के बाद इस साइड भी मैं अच्छे से अपने अंड्राउस में विट स्ट्रिप को जो है वो पेस्ट कर रही हूँ हल्का सा रब कर रही हूँ ताकि हेयर जो है वो इसमें चपक जाए उसके बाद आपको अपने हैंड्स को टाइट रखना है इस बात का आपको ध्यान रखें और मैं इसे डाउन डायरेक्शन में पुल करूँगी क्योंकि मेरे इस हैंड में जो हेयर ग्रोथ है वो डाउन डायरेक्शन में है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किस डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ है आपका देख सकते हैं आप विजिबल है पूरी तरह ये हेयर जो है वो मेरे इस स्ट्रिप पे आपको दिखाई दे रहे होंगे आपको बस अपने हैंड को टाइट रखना है और हल्का सा रब करके इससे नीचे की तरफ पुल कर देना है नीचे की तरफ नहीं आप अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं देखिए मेरा अंडराम जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो लेग पे लेग में भी हमें अगर शॉर्ट्स पहनना है तो हमें वैक्स तो करना ही पड़ेगा तो अगर घर बैठे आप वैक्स करना चाहते हैं अपने लेग्स पे या फिर हैंड पे तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं यहाँ भी आप इसे स्ट्रिप को हल्का सा रब कर दीजिए और इसके दो दोनों अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर दीजिए जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया तो इसे मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसे अब मैं अपने लेग्स पे अच्छे से लगा के हल्का सा रब कर दूंगी अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में जिससे कि इसके हेयर्स जो है वो अच्छे से मेरे स्ट्रिप में चपक जाए तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से जो है मैंने इसे रब कर दिया है अब ध्यान रखें आप एक हैंड की हेल्प से इसे अच्छे से पुल करें तभी इसे ऊपर की तरफ खींचे ताकि दर्द भी कम हो और हमारे हेयर जो है वो अच्छे से निकल भी जाए आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैंने ये स्ट्रिप यूज किया था वहाँ पे हेयर जो है वो निकल गए हैं इससे आप चाहे तो दो बार यूज कर सकते हैं अगर आप हेयर आपके कम हैं तो आप दो बार यूज कर सकते हैं पर दो बार से ज़्यादा आप इसे यूज़ ना करें आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अगर दो से ज़्यादा बार अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी आपको इससे प्रॉफिट नहीं होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा और दर्द भी होगा इसलिए आप इसे सिर्फ दो ही बार यूज करें तीसरी बार यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हेयर्स आपके जो है वो अच्छे से नहीं निकलेंगे तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ पे कि आपका हेयर ग्रोथ कितना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करें अब आते हैं हम नेक्स्ट लेग पे नेक्स्ट लेग पे भी हम ऐसे ही वैक्स करेंगे जो नेक्स्ट जो पार्ट था उससे मैं इससे वैक्स कर रही हूँ मैं पूरे जो है लेक्स को या फिर बहुत ही अच्छे से मैं आपको क्लीन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा छोड़ा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर जगह करके दिखा दे रही हूँ इस इसको भी मैं एक हाथ से पुल करूँगी ऊपर की तरफ तब जाके इसे खींचूँगी देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से उस जगह का जो हेयर्स है वो पूरी तरीके से निकल जा रहा है आई होप कि इसमें दिखाई दे रहा हो वीडियो में आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं मैंने पहले ही बताया तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं और इसका छोटा पैक भी आता है आप चाहें तो उसे भी खरीद के ट्राई कर सकते हैं उसके बाद आप बड़ा वाला पैक खरीदें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और भी अच्छा अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं इसके साथ ही इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके साथ साथ हमें एक वीट वाइप्स भी देता है जो कि हमारे जो स्किन पे जो एक्सेस जो वैक्स जो लग गया होता है उसको हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं ये बहुत ही ऑयली होता है इससे अच्छे से जो है वो वैक्स जो है वो रिमूव हो जाता है इसमें इसको हमें अच्छे से खोलना होता है और इसे ऊपर की तरफ से टियर कर दीजिए इसको खोलने के बाद इसके अंदर हमें एक वीट का वाइप दिखाई देगा जो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसे अच्छे से हम ओपन कर लेंगे ओपन करते करेंगे आपको तभी आपको दिखाई देगा ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेस इसमें ऑयल है आप देख सकते हैं मेरे हैंड में बहुत ही ज़्यादा ऑयल जो है वो लग गया है तो इससे हम अच्छे से अपने अंडर आर्म्स को अपने लेग को जहाँ भी हमने वीट को यूज कर रखा है वहाँ पर अच्छे से क्लीन कर देंगे ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल है इसलिए बहुत ही अच्छे से वैक्स जो है वो निकल जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगता इसको यूज करने के बाद तो मैंने अपने अंडराम्स में वैक्स कर रखा है इसलिए मैं अपने अंडर आम्स को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और साथ ही अपने लेग को भी इससे आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसमें ऑयल जो है वो दिखाई भी दे रहा होगा आपको जिससे कि हमारा वैक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा एक अगर आप हंड्रेड रुपये वाले वीट स्ट्रिप खरीदते हैं तो उसमें आई थिंक दो मिलेगा आपको ये वाइप्स और अगर आप 200 वाले खरीदते हैं तो उसमें आपको फोर मिलेगा वाइप्स तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं तो फ्रेंड्स ये इस तरह हम करते हैं घर पे बहुत जल्दी में वैक्स तो आप इसे आसानी से ट्राई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं अगर आप चाहते हो कि अंडरस वाइटनिंग या फिर अपने स्किन को फेयर करने के लिए या फिर अंडराम्स जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स हमारे डार्क हो जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता मैं उस भी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ तो शेयर करूंगी तब तक के लिए बाय बाय वेट हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो